Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. New just for you, just born kids choice. ARK Giri, silk and sari. Tade Foundation की ओर से कल 26 फरवरी को MB Patil लेआउट में सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं BK News. BK News में आपका स्वागत है। बसोकल्याण वताड़े फाउंडेशन के फाउंडर प्रदीप वताड़े ने प्रेस मीट करते हुए बताया कि 26 फरवरी 2023 को 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह और 5000 माताओं और बहनों को साड़ियां दिए जाएंगे और इस मौके पर वताड़े फाउंडेशन की नई ऑफिस और मकान का उद्घाटन किया जाएगा। ये सामूहिक विवाह नॉन पॉलिटिकल रहेगा। इस सामूहिक विवाह में 21 जोड़ों में 15 जोड़ियाँ बसोकल्याण तालुका के हैं, 2 हुमनाबाद, 2 महाराष्ट्र उमरगा और 2 गुलबर्गा से हैं। इस तरह टोटल 21 जोड़ों की कल सामूहिक विवाह संपन्न होगा, वताड़े फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम लगाया सो है। सामूहिक विवाह में 21 जोड़ी हमारे को मिले सो है। 21 लोगों का शादी कल करते हुए उसी मंच के ऊपर हम तकरीबन 5000 माता लोगों को, बहन लोगों को हम साड़ी, मतलब कन्नड़ में बोलते उड़ी पहनाने का कार्यक्रम और उड़ी थुम्बो का कार्यक्रम भी हम कल कर रहे हैं 5000 माता लोगों को। और उसी कार्यक्रम में, उसकी मद्देनजर में कल हमारा वाद्रे फाउंडेशन का ऑफिस भी ओपनिंग है। ये नया ऑफिस लिए सो है, नया मकान लिए सो है कल। हाईलाइट इंडस्ट्री AAC ब्लॉक्स कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम होम विद क्वालिटी प्रोडक्ट, ड्रीम होम फर्निशिंग, कर्टन एंड सोफा, हाजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ब्यूटीफुल होम फॉर सेल विद ऑल फैसिलिटी, इसका कल ओपनिंग है। उसी बहाने मैं बसोकल्याण आम पूरे जनता को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी बसोकल्याण के पूरे तालुका से और बाजू आजू तालुका से सभी लोग आके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इधर जो वधूवर है, जो दंपत्य है और जो प्रदीप वाद्रे को आके इधर आशीर्वाद करना बोल के मैं पूरे मतक क्षेत्र के पूरे सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, ये टोटली धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें कोई हम पॉलिटिक्स एंट्री करें नहीं। हम जैसे कि हमारा इनविटेशन कार्ड है, देखिए इनविटेशन कार्ड में हम क्या बोल के डाले, सर्वद हमारा सकल समुदाय था सामूहिक वह, इसमें कोई पॉलिटिक्स लिंक नहीं है, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस को हम बुला रहे नहीं। ये क्या है, जस्ट दोस्तों को अगर कोई बुलाए तो आके सम्मान करते हैं बस, बाकी लेकिन ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं होता, टोटल धार्मिक कार्यक्रम है। इसमें क्या होता, पॉलिटिक्स लोगों को बुलाए तो क्या ना इसको रंग अलग दे देते आप लोग। सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस फर्नीचर, द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस, इसको टोटल ये हम जो करते हुए आ रहे हैं सामूहिक विवाह हर एक साल वही कार्यक्रम है बस, उतना ही। ये कोई पॉलिटिक्स को इसको कोई लिंक नहीं है। शादी होने वाले हैं पूरे बसोकल्याण के काम, इसमें तकरीबन 14 से 15 जोड़ी बसोकल्याण तालुका के है, 2 हुमनाबाद के है, 2 उमरगा महाराष्ट्र के है और 2 गुलबर्गा के 2 है। तकरीबन हम ये प्रोग्राम को हम तकरीबन 3 महीने से हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, दिसंबर मंथ से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और फर्स्ट जनवरी के पूरे पेपरों में एडवर्टाइजमेंट भी दिया था मैं, सब लोग आके नोंदाने करो बोल के। और 8-7 झड़पे सर्कल में एक ही गाड़ी छोड़े सो एक महीना पूरा फिरा हर एक झड़पे सर्कल में। उसके अलावा ऐसा बड़े पॉम्पलेट्स वगैरह भी सब खेड़ेगाँव में लगाए सो है, ये सब देख ले के हमारे पास 21 जोड़ी 3 महीने का बहुत झगड़ा करे जैसा करे हम इसके लिए। तो जब जाके 21 जोड़ी आया, 21 जोड़ी नहीं ऐसा 70 जोड़ी आए हमारे पास, कि 70 जोड़ी में सब जरा अलग अलग था, वो आधार कार्ड किसका मैच हो रहा है, किसका उम्र नहीं है, कोई शादी कर ले सो लोग आके फिर शादी करो बोल रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट लोडी लोग आके रजिस्टर कराए, कोई साथ में बच्चे को लेके आके हम शादी कर लेते बोल के बोल रहे, ऐसा कोई दहेज क्या देते बोल के कोई ऐसा बोल के यार, मतलब ऐसा बहुत सारे 75 केस में से छाट छाट के 21 हमारे को लीगली मिला। और इससे क्या है ना, वो कुछ समाज कल्याण इलाके से भी उनको पूरा वेरीफाई करा के पूरे ऑफिसर्स लोग कल आके वेरीफाई करके सब उन लोग ग्रीन सिग्नल देने के बाद ही हम इसको करें, क्योंकि कल के दिन हमारे को किधर भी प्रॉब्लम नहीं होना बोल के। कल ये कार्यक्रम जो है ना सर, 10 बजे स्टार्ट होके तकरीबन 2 बजे तक चलता है कार्यक्रम, 2 बजे से 11 से 10 बजे से 12-12:30 बजे तक मैरिज का कार्यक्रम है, 12:30 से लेके 2 बजे तक 1 बजे 1.5 घंटे के अंदर गुरुजी लोगों का आशीर्वाद वचन होते रहता। और वो कार्यक्रम के टाइम पे ही जैसा हमारे जो माता बहन लोगों को उड़ी थुम्बा कार्यक्रम बैठे से जगह चलता रहता समझो, और सभी जितने भी लोग आए सब लोगों का भी इधर प्रसाद का व्यवस्था करे सो है, सब लोग आके इधर प्रसाद भी लेके चले जाए। हमारे इस YouTube चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।